हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के चैप्टर ट्रायंगल का अगला टॉपिक, जो कि है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उस सिमिलर को प्रूफ करने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया हम लोग यूज करने वाले हैं और उसका प्रूफ। तो बच्चों, अब तक हम लोग क्या पढ़े, तो अब तक हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ चुके और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ चुके। और थेल्स थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि थेल्स थ्योरम क्लियर नहीं है तो हम लोग को जो थ्योरम्स हैं सिमिलर ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए, यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरिया या ट्रिपल एस क्राइटेरिया, तो वो सारा हम लोग को समझ नहीं आएगा। तो इसलिए थेल्स थ्योरम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो एक बार फिर से रिमाइंड करा दिया जाए तो थेल्स थ्योरम क्या है। तो थेल्स थ्योरम ये बताया गया था कि कोई एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैडल को एक लाइन हम लोग खींचें और वो बाकी दो साइड को किसी दो पॉइंट पे यदि टच करता हो तो वो दोनों पॉइंट उस दोनों साइड को इक्वल रेशियो में बांटता है, और इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। और इसी का यूज करके हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो सिमिलर ट्रायंगल का डिफिनेशन, जो कि हम लोग फर्स्ट क्लास में ही सीखे थे कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, कब सिमिलर होगा, तो सिमिलर तब होगा जब उसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। यानी कि यदि हम लोग यहाँ डायग्राम बनाएं, यदि ये एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे यदि डी ई एफ है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब इस दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। यानी कि इफ, या सिंपली हम लोग लिखेंगे सिंपली, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू सॉरी डी ई एफ है यहाँ पे, तो डी ई एफ, और कब सिमिलर होगा, तो जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये वाला एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये वाला एंगल, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, यानी कि ये वाला एंगल। इसके अलावा साइड के बारे में बताए थे कि ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कॉल है। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग कौन से थ्योरम का यूज करेंगे, कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं हम लोग। तो पिछले क्लास में बताया गया था कि इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग या तो एंगल 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 का यूज करते हैं, एंगल 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 क्राइटेरिया, या फिर ट्रिपल एस साइड 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 क्राइटेरिया, या फिर एस ए एस साइड एंगल साइड। तो मेनली इस तीन क्राइटेरिया से हम लोग किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। तो अब सिर्फ इस तीनों थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं एक एक करके। तो अब सिंपल सा कि ट्रिपल ए का मतलब क्या हो गया, तो ट्रिपल ए का मतलब हो गया कि तीन, मतलब कि यहाँ पे किसी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। जैसे कि यदि ये बोल दिया जाए कि इस दो ट्रायंगल में ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ, और साइड के बारे में नहीं भी दिया हुआ हो तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये इसका मतलब हो गया। ट्रिपल एस का मतलब हो गया कि यदि एंगल को इक्वल नहीं दिया हुआ हो लेकिन यदि उसके साइड के रेशियो सेम दिए हुए हैं तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। यानी कि इफ ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे और उस केस में तीनों एंगल भी इक्वल होगा। एंड तीसरा है एस ए एस, यानी कि कोई दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल। जैसे मान लेते हैं कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, कि दो एंगल इक्वल हैं और उसके जो साथ वाले साइड है उसका रेशियो इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो ये एस ए एस।
तो ये तीनों थ्योरम का मतलब हो गया, जैसे कि हम लोग कॉन्गुएंसी में पढ़ चुके थे पिछले क्लास 9th में, तो वैसे ही यहाँ पे इस तीनों से भी हम लोग सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। और यदि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर होने का मतलब ये पार्ट उसके सेम होंगे, यानी कि तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उसके साइड का रेशियो सेम होगा। तो ये याद रखना है कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होने का मतलब कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना। अब हम लोग एक एक करके प्रूफ करते हैं। अब यदि इसमें जैसे पहले वाले थ्योरम को यदि प्रूफ करना है एंगल एंगल एंगल, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो तीन एंगल आपस में इक्वल दिए हुए हैं और यदि साइड का रेशियो भी हम लोग सेम है ये प्रूफ कर दें तो वो ट्राइंगल सिमिलर होगा, ये प्रूफ हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले पहला वाला क्राइटेरिया हम लोग प्रूफ करते हैं, यानी कि एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोई दो ट्राइंगल है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो पहला थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक हो गया क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी और उसमें हम लोग सबसे पहले प्रूफ करने वाले हैं एंगल एंगल एंगल। हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यदि हम लोग बोले क्या पार्ट दिया हुआ है, तो दो ट्राइंगल जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो दो ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पहला ट्राइंगल इसको बोलते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड इसको बोलते हैं पी क्यू आर। अब हम लोग फिर से गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन सारा कुछ लिखते हैं। गिवन तो चलो ये चार चीज लिख रहे हैं हम लोग को। तो सबसे पहले यदि गिवन बोला जाए तो गिवन हम लोग क्या लिखेंगे, तो गिवन हम लोग को यहाँ पे कोई दो ट्राइंगल है जिसके कि सारे एंगल इक्वल दिए हुए हम लोग को, तो हम लोग पहले वो चीज लिखते हैं, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर हम लोग लिख सकते हैं उसके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो दो ट्राइंगल हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन उससे पहले टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है हम लोग को, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं ये प्रूफ करना है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यदि हम लोग इस ट्राइंगल को देखें तो इसके तीनों एंगल आपस में इक्वल दिए हुए हैं, यदि हम लोग ये प्रूव कर दें कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये सिमिलर है। तो चलो हम लोग को अब ये प्रूफ करना है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। यदि ये प्रूफ कर दें तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो चलो प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सिंपली हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो हो सकता है कि दोनों सेम साइज का ना हो, तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इसी के साइज का एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करना। अब इसको हम लोग मैथमेटिक्स में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि कुछ केस लेके हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब इसमें किसी दो साइड को हम लोग यदि इक्वल करके लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी दो साइड हम लोग ले लें,
यदि बीसी और क्यूआर की बात करें तो अब बीसी और क्यूआर में मतलब कि यदि हम लोग कंपेयर करें तो तीन केस बनते हैं, या तो बीसी और क्यूआर इक्वल होगा, या बीसी क्यूआर से बड़ा होगा, या बीसी क्यूआर से छोटा होगा। तो यदि बीसी इज इक्वल टू क्यूआर हो जाए तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होंगे क्योंकि उसके साइड का रेशियो सेम होता है। यानी कि यदि इफ बीसी इज इक्वल टू क्यूआर हो जाए तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये पार्ट दिया हुआ है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट होता है तो वो सिमिलर भी होगा क्योंकि उसके साइड इक्वल होते हैं, और साइड इक्वल है तो उसके साइड का रेशियो 1, यानी कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए बी बाई पी क्यू 1, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इसलिए बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू 1, ए सी इज इक्वल टू पी आर सो ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू 1, तो तीनों का रेशियो सेम, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर, यानी कि दो फिगर यदि कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होगा। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना है कि कोई दो ट्राइंगल है और वो दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होगा, लेकिन इसका दूसरा पार्ट वो सही नहीं है। यानी कि यदि ये कहा जाए कि दो सिमिलर ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन सारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपस में सिमिलर भी होगा ये सही है। तो यदि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी होंगे। तो यदि ए बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हो जाए तो उस केस में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट और इसलिए सिमिलर। यदि हम लोग इसके बाद के केस की बात करें तो इफ बीसी इज ग्रेटर देन क्यूआर, तो बीसी इज ग्रेटर देन क्यूआर हो या फिर क्यूआर इज ग्रेटर देन बीसी हो, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन उसी तरीके से करके प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग चलो जैसे कि यहाँ फिगर में दिख रहा है कि एबीसी और पीक्यूआर में क्यूआर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है बीसी से, तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले प्रूफ में, इस दोनों ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल बड़ा है, और बड़ा है तो फिर उस केस में हम लोग प्रूफ करते हैं। छोटा भी होगा तो भी कंस्ट्रक्शन उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसी तरीके से समझ सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ए इज इक्वल टू पी तो दिया हुआ है, तो ए बी के इक्वल एक साइड यहाँ और ए सी के इक्वल एक साइड यहाँ खींचते हैं। यानी कि हम लोग पी क्यू आर पे दो पॉइंट, इसको हम लोग डी बोल देते हैं और यहाँ पे ई बोल देते हैं, डी और ई। तो पी क्यू पॉइंट पे डी पॉइंट मार्क कर, पी क्यू लाइन पे डी पॉइंट मार्क करना है एंड पी आर पॉइंट पे ई पॉइंट मार्क करना है, इस तरीके से कि डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी पी क्यू पी ई इज इक्वल टू ए सी हो जाए। तो मार्क पॉइंट्स डी एंड ई ऑन PQ and PR respectively such that, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, तो AB DB के इक्वल, तो AB is equal to PD and AC is equal to PE। तो ये कंस्ट्रक्शन हम लोग कर दिए और इसको ज्वाइन भी कर दें, ज्वाइन डी। अब हम लोग आते हैं वापस कि इस दोनों ट्रायंगल में, अब यहां पे इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है, तो इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जा सकता है। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो ए बी बाई पी डी सॉरी ए बी और पी डी इक्वल है, ए और पी इक्वल है एंड ए सी इज इक्वल टू पी इक्वल है, यानी कि ये दो साइड उस कंस्ट्रक्शन से, और जो बीच वाला एंगल है वो तो दिया हुआ ही है कि ए इज इक्वल टू पी, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और यदि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स उसके इक्वल होंगे। तो इसको कॉन्ग्रुएंट किया जाए तो उसके लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी डी ई। अब इस दोनों ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू पी डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड ए सी इज इक्वल टू पी। साथ में हम लोग को रीजन भी लिखना है, तो ए बी पी डी क्यों इक्वल है, तो कंस्ट्रक्शन से
तो बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, और a इज इक्वल टू पुल p तो दिया हुआ है, तो गिवन a इज इक्वल टू p। अब दोनों ट्रायंगल हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है, एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी डी ई। अब दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी डी ई, उसी तरह से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी ई डी। लेकिन हम लोग को जो गिवन पार्ट है, हम लोग ये तो प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला और ये वाला एंगल इसके इक्वल, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है इसके बारे में, गिवन में कि ए बी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल एंड सी आर के इक्वल। तो बी और क्यू इक्वल है, बी और डी इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये तो क्या दिख रहा है, तो दो लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, और दो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो वो दो लाइन पैरेलल होते हैं। यानी कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू pd और गिवन में दिया हुआ b इज इक्वल टू q, बट एंगल b इज इक्वल टू एंगल q। यानी कि ये इसका रीजन लिखेंगे cpct कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये पार्ट तो गिवन है, क्या मिलेगा, तो बी इज इक्वल टू पी डी एंड बी इज इक्वल टू क्यू, यानी कि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी डी ई। तो पी डी ई और एंगल क्यू, ये दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो अब क्लियरली हम लोग को दिख रहा है इस फिगर में कि ये दोनों लाइन इस तरीके से है कि एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होता है, तो हम बोल सकते हैं सो DE पैरेलल टू QR, तो DE QR के पैरेलल आ गया। अब DE QR के पैरेलल है तो हम लोग अब थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR DE पैरेलल टू QR। तो अब थेल थ्योरम अप्लाई करें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करें, तो क्या होगा, तो साइड का रेशियो सेम होता है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, तो पी डी बाई डी क्यू इज इक्वल टू पी बाई ई आर। लेकिन हम लोग यहाँ पे उसके कॉरोलरी को यूज करते हैं, यानी कि ऐसा लिखेंगे पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी बाई पी आर। तो पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी ई डिवाइडेड बाई पी आर। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं इस दो ट्रायंगल को, तो इससे दो एंगल इक्वल आ रहा है, उसके साथ साथ उसके बाकी साइड भी तो इक्वल होंगे, तो ए बी ए बी इज इक्वल टू पी बी और ए सी इज इक्वल टू पी, ये तो हम लोग कंस्ट्रक्शन ही किए हैं, तो बी सी और डी भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी डी बाई पी क्यू पी ई बाई पी आ रहा है। अब हम लोग पी डी इज इक्वल टू क्या है, तो पी डी इज इक्वल टू ए बी है, और पी इज इक्वल टू ए सी है, तो इसके जगह पे वो लिख जाए तो क्या आएगा, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, और पी के जगह पे हम लोग ए सी लिख सकते हैं, ए सी बाई पी आर। तो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि दो साइड का रेशियो सेम आ रहा है। लेकिन इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करें कि पी आर के पैरेलल हम लोग यहां से खींचे, तो हम लोग का बाकी दो साइड मतलब कि वहां पे सेम रेशियो में आ जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से ये दो साइड को हम लोग सिमिलर किए कि ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड डिवाइड बाय ये वाला साइड, उसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले तीसरे को भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिमिलरली ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर।
जिस तरीके से ये प्रूव किया गया है उसी तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब इस दोनों को एक साथ लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। तो यही हम लोग को प्रूव भी करना था कि इस दो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, और वो हम लोग प्रूफ कर चुके। अब इस दो ट्रायंगल के एंगल्स वो तो इक्वल दिए हुए हैं, और उसके साइड को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर चुके, उसके साइड का रेशियो हम लोग सेम है ये प्रूफ कर चुके। अब तो सिमिलर ट्रायंगल का डिफिनेशन यहाँ पे मतलब क्लियर हो जा रहा है कि सारा साइड का रेशियो सेम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो सिमिलर होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है और इसके एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, इसीलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर हेंस प्रूव्ड फॉर क्यूईडी। तो ये प्रूफ हो चुका कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि अब यहाँ पे केस की बात कि कोई दो साइड को कंपेयर करें और वहां पे तीन तरह के केस हो सकते हैं, इक्वल या ग्रेटर या लेस देन वाला। तो यहाँ पे एक केस को बनाया गया, दूसरे केस से भी हम लोग यदि करें तो इसी तरीके से हो सकता है। यानी कि अब फिर से एक बार समझना है कि यदि कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है एंगल 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 क्राइटेरिया से, तो किसी दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर करते हैं किसी साइड से, तो इफ कोई भी साइड ए बी और पी क्यू या फिर बी सी और क्यू आर को लेकर हम लोग चल सकते हैं, तो इफ बी सी इज इक्वल टू क्यू आर तो उस दो केस में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी होता है, तो प्रूफ हो चुका। दूसरा केस इफ बी सी इज लेस देन क्यू आर, ये वही वाला केस है, इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। और तीसरा केस इफ बी सी इज ग्रेटर देन क्यू आर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो उस केस में जो कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ किए हैं वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी कर सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे ये प्रूफ किए। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि ये वाला साइड इससे छोटा हो तो इसको प्रोड्यूस तो कर सकते हैं इसके इक्वल, यानी कि तब उस केस में क्या होगा, तो डी पॉइंट पी क्यू पे नहीं होगा, पी क्यू के नीचे कहीं पे होगा, PQ को प्रोड्यूस करने पे कहीं पे होगा। तो उस केस में D को PQ पॉइंट को प्रोड्यूस करने पे मार्क करना है और PR को प्रोड्यूस करने पे ही मार्क करना है इस तरीके से कि AB इज इक्वल टू PD हो जाए। तो यदि QR BC से छोटा है तो D पॉइंट नीचे की ओर होगा, तो उस समय भी हम लोग इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जनरली बोर्ड में ये वाला थ्योरम पूछा नहीं जाता, केवल इसका प्रूफ इसका यूज पूछा जाता है कि कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन समझना भी जरूरी है, तो इसको अच्छे से समझना है, तो सब लोग मतलब इसको नोट कर लो और अच्छे से समझ लो कि किसी दो ट्रायंगल को किस तरीके से हम लोग सिमिलर करेंगे। अब इसके बाद एक और चीज है कि यहाँ पे एंगल 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 तीन एंगल इक्वल है ये लिखा गया है। अब इसी का एक कोरोलरी है कि एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या है, तो कोई दो ट्रायंगल में तीन एंगल है और तीनों का सम 180, और यदि दो एंगल आपस में इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। यानी कि यदि ये बोल दिया जाए कि इस दो ट्रायंगल में इफ ए इज इक्वल टू पी एंड बी इज इक्वल टू क्यू, तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्योंकि ये दो एंगल आपस में इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली वो इक्वल होगा। उसको हम लोग अभी यहाँ पे लिख के भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लिया जाए, तो स्टैंड पॉज करके नोट किया जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक और चीज ध्यान में रखना है, एक टर्म है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। और इसके बारे में लिखे हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इच अदर। तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है,
तो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल यानी कि दो ट्राइंगल जिसके एंगल्स इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, उसको हम लोग इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। तो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल क्या होता है तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे होज जिसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है उसको हम लोग इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कोई दो एंगल भी इक्वल हो तो उसको कैसे, तो ये बोला जाए कि यदि एबीसी एंड पीक्यूआर कोई दो ट्राइंगल है एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल क्यू इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी को क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल बी माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी ए प्लस बी वाला पार्ट उधर उधर चला जाए। तो उसी तरीके से एंगल पी क्यू आर बोले तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी प्लस एंगल क्यू ब्रैकेट में। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू क्यू, तो 180 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस क्यू, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। यानी कि कोई दो ट्राइंगल दिया हुआ हो जिसके कोई दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो भी वो दो ट्राइंगल सिमिलर होगा, क्योंकि दो एंगल आपस में इक्वल है तो उसके थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल ही होगा, और तीनों एंगल आपस में इक्वल तो सिमिलर हम लोग अभी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये दो चीज याद रखना कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, तो सारे इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। दूसरा कि यदि कोई दो ट्राइंगल में दो एंगल दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो तो भी वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो ये चीज याद रखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की ओर। तो ट्रिपल एसिमिलरिटी क्राइटेरियन का मतलब हो गया कि कोई दो ट्रायंगल उसके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है, एंगल के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो उसके साइड का रेशियो सेम है और वो दो ट्रायंगल इसलिए सिमिलर होगा। तो फिर से वही चीज कि यदि हम लोग को दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो उसके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, उसके सारे साइड का रेशियो सेम होने चाहिए। तो अब हम लोग प्रीवियस थ्योरम का यूज करके इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलो हम लोग को अभी जो प्रूफ करना है वो है ट्रिपल एस क्राइटेरिया, यानी कि कोई दो ट्रायंगल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यदि उसका रेशियो सेम हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो चलो उसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यदि डायग्राम बनाएं, एक ट्रायंगल यहां एबीसी और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं और इसको हम बोलते हैं डी ई एफ या पी क्यू आर, चलो डी ई एफ ही लिखते हैं इस बार। तो दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड डी ई एफ सच डेट ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई डी क्यू, डी ई एफ लिखते हैं सॉरी। तो ए बी बाई डी बी सी बाई ई एफ एंड ए सी बाई डी एफ, ये तीनों रेशियो आपस में सेम होगा। तो हम लोग गिवन वाला पार्ट लिखते हैं पहले, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद प्रूफ, तो एक ही करके हम लोग देखने में ये सारा थ्योरम थोड़ा सा लंबा टाइप का लग रहा हो लेकिन आसान है। इसके बस टर्म्स याद रख, इसके बस वो स्टेप्स याद रख रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों को करना है। जैसे कि इससे पहले वाले थ्योरम में
कि पहले वाले थ्योरम में हम लोग क्या किए, तो कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम लोग वहाँ पैरेलल प्रूफ किए, और पैरेलल प्रूफ करने के बाद वहाँ पे साइड का रेशियो सेम आ गया और हम लोग उसको प्रूफ कर चुके। तो तीन ही चीज़ था। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले प्रूफ लिखते हैं गिवन, गिवन में क्या दिया हुआ है, तो साइड के रेशियो सेम है, यानी कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ साइड का रेशियो सेम है, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। तो ये पार्ट्स इक्वल दिया हुआ है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे हम लोग इससे पहले वाले में किए थे, यानी कि इसके इक्वल यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो क्या करते हैं, तो मार्क करते हैं एक पॉइंट यहाँ पे P और यहाँ पे Q सच डैट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। तो मार्क पॉइंट्स P एंड Q on DE and DF respectively such that क्या हो, तो AB by AB is equal to DP and AC is equal to DQ। तो चलो ये दो पार्ट इक्वल। तो अब इसको ये हम लोग कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं कि ए बी डी बी के इक्वल, ए सी डी क्यू के इक्वल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रूफ पे। तो अब देखो सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, तो सिंस इट बीन गिवन दैट तो हम लोग यहां पे सारा ही लेते हैं, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। बीच वाला पार्ट को अभी नहीं लिखते हैं फिलहाल, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, यानी कि सारा आपस में इक्वल है, तो ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अब हम लोग जो कंस्ट्रक्शन किए हैं कि ए बी की जगह डी पी और ए सी की जगह डी क्यू लिख सकते हैं, तो ए बी की जगह हम लोग यदि डी पी लिखें, डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी की जगह डी क्यू लिखें, तो डी क्यू बाई डी एफ। तो अब हम लोग यदि उस ट्रायंगल में देखें, तो DP डिवाइड बाय DE एंड DQ डिवाइड बाय DF, यानी कि ये वाला साइड डिवाइड बाय पूरा साइड, ये वाला साइड डिवाइड बाय पूरा साइड। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल DEF DP बाय DE इज इक्वल टू DQ बाय DF, और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BBT हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा, तो PQ इज पैरेलल टू EF। तो इसलिए लिखेंगे सो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, और क्यों होगा, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब यदि दो लाइन पैरेलल हो और उसको कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता हो, तो उसके पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। तो हम लोग बोल सकते हैं सो एंगल P, या पूरा लिखते हैं एंगल DPEQ इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल DQP इज इक्वल टू एंगल F। और क्यों होंगे, तो ये पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल है। अब हम लोग यहाँ पे जो इससे पहले थ्योरम पढ़े एंगल एंगल क्राइटेरिया, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल्स डी पी क्यू, तो डी पी क्यू एंड डी ई एफ, तो डी पी क्यू और डी ई एफ में ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और डी कॉमन है, तो तीनों एंगल इक्वल।
तो इसलिए हम लिख सकते हैं ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये तुम लोग इसको पूरा लिखना है, यहाँ पे इसको अधूरा छोड़ा गया है। तो डी पी क्यू डी एफ में हम लोग लिखेंगे डी पी क्यू इक्वल टू डी क्यू पी इक्वल टू एफ, यहाँ पे रिपीट करना है और उसके बाद लिखना है कि डी पी क्यू एंड डी एफ सिमिलर है तो क्यों सिमिलर है तो एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर, और यदि दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो उसके साइड का रेशियो सेम होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं डी बी बाई डी ई इज इक्वल टू, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डी क्यू बाई डी एफ। ये तो हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं, और साथ ही साथ PQ by EF। अब ये पार्ट जो हम लोग प्रूफ किए और जो पार्ट दिया हुआ है, यदि हम लोग कंपेयर करें तो DP इज इक्वल टू AB है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं DP के जगह पे इस दो ट्राइंगल में कि DP by DE, DQ by DF and PQ by EF, ये हम लोग दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने से प्रूफ आ गया। तो यहां से कंपेयर करें तो गिवन में क्या दिया हुआ है, तो DP इज यहां पे AB, वो पार्ट लिखेंगे यदि तो AB by DE इज इक्वल टू BC by EF, या उससे पहले हम लोग लिखते हैं AC by DF, AC by DF इज इक्वल टू BC by EF। अब यदि इस दोनों में हम लोग कंपेयर करें तो DP के इक्वल AB, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। DQ के इक्वल AC, ये भी कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। तो जब ये दो पार्ट इक्वल है तो थर्ड पार्ट में भी तो उसके न्यूमरेटर इक्वल होंगे, यानी कि PQ इज इक्वल टू BC, तो हम लोग लिखेंगे सो PQ इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो मतलब कि इस दोनों को कंपेयर करने से हम लोग को क्या रिजल्ट आया, तो PQ इज इक्वल टू BC। अब वापस आते हैं हम लोग ट्राइंगल ABC और DPQ में, तो ABC में AB इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ एंड BC इज इक्वल टू PQ अभी प्रूफ किया हम लोग। तो साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो सिमिलर तो नहीं लेकिन ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो आपस में सिमिलर भी होंगे, और फिर उसके बाद ये तो हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि डी पी क्यू और डी ई एफ सिमिलर है। तो ये याद रखना है कि कोई भी दो ट्राइंगल या फिर तीन ट्राइंगल लेते हैं और एक के सिमिलर दूसरा ट्राइंगल, दूसरे के सिमिलर तीसरा ट्राइंगल, तो पहला और तीसरा भी आपस में सिमिलर होंगे, यानी कि बिल्कुल ये उसी तरीके से है वो वाला एक्सियम जो कि इक्वल वाला है, यानी कि एक के इक्वल दूसरा है, दूसरे के इक्वल तीसरा है, तो पहला और तीसरा भी इक्वल होता है। ये एक्सियम हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि दो ट्राइंगल दिए हुए हैं वो दोनों यदि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यदि पहले वाले ट्राइंगल के सिमिलर कोई तीसरा ट्राइंगल है तो दूसरे के भी सिमिलर होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसके बाद लिख सकते हैं कि ये सारा प्रूफ होने के बाद इसको यहां से मिटा देते हैं और यहां लिखते हैं कि नाउ ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीपीक्यू, उसके सारे साइड इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू डी पी, BC is equal to PQ and AC is equal to DQ, ये दोनों तो कंस्ट्रक्शन से, और ये वाला हम लोग यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। तो मतलब कि दोनों ट्राइंगल ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल DPQ by SSS criteria of congruency। और हम लोग ये भी प्रूफ किए हैं कि दो ट्राइंगल मतलब कि ABC और DPQ तो कॉन्ग्रुएंट हो चुका, एंड DPQ एंड DEF सिमिलर है, ये तो लिख सकते हैं एंड ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो यानी कि ये दोनों बिल्कुल सेम है,
और इसके सिमिलर ये है तो इसके भी सिमिलर ये होगा, तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे यदि स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो सबसे पहला काम हम लोग क्या किए, हम लोग तो कंस्ट्रक्शन ये करके इस वाले ट्रायंगल में हम लोग इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर दिए। अब ये दोनों ट्रायंगल ये और ये पैरेलल हो गया, तो इस ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये वाला ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर दिए, और वो सिमिलर हो गया तो उसके बाद ये प्रूफ कर दिए कि साइड का रेशियो सेम, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू बी सी जो कि यहाँ पे है। अब पी क्यू इज इक्वल टू बी सी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं और ये दो साइड पहले से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं कि इक्वल है, तो ट्रिपल एस ए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब इसके इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट ये वाला ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के सिमिलर ये वाला ट्राइंगल, तो इसके भी सिमिलर ये वाला ट्राइंगल होगा, तो वही हम लोग लिखे हैं। तो बस इतने ही स्टेप है, जो कि तीन स्टेप दिख रहा है कि मेरे लिए तीन काम करने और उस तीन में ये प्रूफ हो जा रहा है। पहला काम दोनों को पैरेलल करना, पैरेलल करने के बाद सिमिलर करना, सिमिलर करने के बाद इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, और उसके बाद तो फिर प्रूफ हो गया। तो ऐसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये वाला थ्योरम एग्जाम में जनरली नहीं आता, लेकिन इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से समझना है। तो ये हो गया हम लोग का एंगल एंगल क्राइटेरिया और ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अब इसके बाद बचा हुआ एक साइड एंगल साइड, यानी कि दो ट्रायंगल दिए हुए हैं उसके किसी दो साइड का रेशियो सेम है और उसके बीच का एंगल इक्वल हो, तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।